उधम सिंह नगर के खटीमा में आम आदमी पार्टी की ओर से 3 काले कृषि कानून वापस किए जाने की घोषणा पर खुशी का इजहार करते हुए मिठाइयां बांटी और किसानों को बधाई दी। साथ ही किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को लेकर कहा कि सरकार ने कृषि कानूनों को वापस करने की बात कही है, अब सरकार को उन मृतक किसानों के परिवारों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, साथ ही एक परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार इलेक्शन को देखते हुए अब कृषि कानून वापस कर रही है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। बधाई दूंगा और ये बहुत ही अच्छा काम हुआ। किसानों की एकजुटता जो थी और अपना आंदोलन उन्होंने अनुशासन में रह के करा, उसकी जीत हुई है और किसानों की ये सबसे बड़ी जीत हुई है। मैं अभी जितने 700-800 किसान शहीद हुए हैं उनके लिए कम से कम 50-50 लाख रुपए का मुआवजा चाहिए गवर्नमेंट को देना, और जो जितने मुकदमे हुए हैं किसानों पे सारे वापस होने चाहिए, और आने वाले के लिए काम जो उसकी किसानों की मंडियों में धान आए, गेहूँ आए या कणक आए, कुछ भी आए, उसका सही तरीके से सिस्टम को लागू होना चाहिए, और आगे के लिए जो भी कानून गवर्नमेंट बनाने लगे किसानों की भूमिका जो है वो सबसे पहले होनी चाहिए। जैसे किसान चाहें ऐसे ही कानून बनने चाहिए। अभी मैं सुबह मोदी जी का भाषण सुन रहा था कि हमने समझाने की कोशिश करी, किसानों को समझाने की क्या जरूरत थी, किसानों से समझने की जरूरत थी, गवर्नमेंट समझ नहीं पाई एक साल तक कि किसान क्या चाहते हैं। जो किसान अपने खून पसीने से खेती करता है, जो इतनी खेती के बारे में वो जानता है, ये नेता और अफसर क्या समझेंगे, उसके बारे में क्या समझाएंगे किसानों को। इनको समझना चाहिए था, समझाना नहीं चाहिए था।